हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिल्मी टॉक के एक और नए एपिसोड में। और ये है फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 31। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत करते हैं हाल ही में अनाउंस हुई न्यू फिल्मों से। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर सुंदर सिंह ने अपनी आने वाली अगली फिल्म यानी कि अरनमनई 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पर इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाली लाइका प्रोडक्शन। और इस मूवी के अंदर हम सभी को देखने को मिलेंगे विजय सेतुपति और साथ में संथनम। विक्टरी वेंकटेश की भी न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जहाँ पर विक्टरी वेंकटेश के करियर की 75th फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पर इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाली है निहारिका एंटरटेनमेंट, जिन्होंने इससे पहले श्याम सिंह रोज जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। और फ्रेंड्स, ये मूवी निहारिका एंटरटेनमेंट की दूसरी फिल्म होने वाली है, जिसको डायरेक्ट करेंगे शैलेश कोलानू, जिन्होंने इससे पहले हिट द फर्स्ट केस एंड हिट द सेकंड केस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। और फ्रेंड्स, इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी 25 जनवरी को। संथनम की भी न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पर इस मूवी को टाइटल दिया है बड़ाकुपट्टी रामास्वामी। और फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे कार्तिक योगी, जिन्होंने इससे पहले संथनम फिल्म डिक्की लूना को भी डायरेक्ट किया था। और इस मूवी को प्रोड्यूस करेगी पीपल मीडिया फैक्ट्री, जिन्होंने इससे पहले गुड़ाचारी, कार्तिक के 2 और रिसेंटली धमाका जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पीपल मीडिया फैक्ट्री की ये पहली तमिल फिल्म है जो वो संथनम के साथ लेकर आने वाली है। और संथनम की इस न्यू फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स को B4U नेटवर्क यानी कि IBY एंटरटेनमेंट ने बाय कर लिए हैं। पसारा पिक्चर्स और बिग प्रिंट पिक्चर्स ने अपनी न्यू फिल्म को अनाउंस कर दिया है, जहां पर इस मूवी को टाइटल दिया है क्रिमिनल। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं दक्षिणा मूर्ति। और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे आर शरद कुमार और साथ में गौतम कार्तिक। और इस मूवी के शूट को 23 जनवरी से शुरू करवा दिया गया है। तमिल एक्टर मास्टर महेंद्रन की भी न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पर इस मूवी का टाइटल दिया है नीलकंठ। और फ्रेंड्स, इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर भी आउट कर दिया है। और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं राकेश माधवन। इस मूवी को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, जहां पर ये मूवी जो है तमिल साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी डब वर्जन में भी देखने को मिलेगी। मलयालम एक्टर टोमिनो थॉमस की भी न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर रोहित बीएस, जिन्होंने इससे पहले फिल्म काला को भी डायरेक्ट किया था। अभी इस मूवी का टाइटल फिक्स नहीं किया गया है, फिलहाल के लिए इस मूवी को टाइटल दिया है TT51। और फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि ये मूवी एक मास एंटरटेनर मूवी होने वाली है। कन्नड़ा एक्टर निखिल कुमार गौड़ा की भी न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं मनोहरा। और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे जी मनोहरन और श्रीकांत के भी। अब इस मूवी का भी टाइटल फिक्स नहीं किया गया। सिलम ब्रासन TR की आने वाली फिल्म पाथुथाला, इस मूवी के ऑडियो राइट्स को सोनी म्यूजिक ने खरीद लिया है। और इस मूवी का फर्स्ट सिंगल जल्दी देखने को मिल जाएगा। विशाल की आने वाली पेन इंडिया फिल्म मार्क एंटोनी मूवी से 2 करेक्टर पोस्टर्स को आउट किया गया है, जहां पर पहला पोस्टर है DSG का, जो कि मलेशियन एक्टर है, और दूसरा करेक्टर है एक्ट्रेस अभिनया का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिलीज डेट के बारे में, जिनको हाल ही में कंफर्म किया गया है। तो फ्रेंड्स, धनंजय और अमृता अय्यंगर की अपकमिंग कन्नड़ा मूवी होयसाला अब इस मूवी की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है, जहां पर ये मूवी देखने को मिलने वाली है 30 मार्च 2023 में। कविन और अपर्णा दास की आने वाली फिल्म दादा, इस मूवी की भी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है, जहां पर इस मूवी की जो रिलीज डेट दी गई है वो है 10 फरवरी 2023 की। अपकमिंग तमिल फिल्म कासेथान कड़ा बुलाडा, इस मूवी की भी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया, ये मूवी देखने को मिलेगी 10 फरवरी 2023 में। और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे शिवा और साथ में प्रिया आनंद। और इस मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स को सन नेक्स्ट ने बाय किया है। ऐश्वर्या राजेश की अपकमिंग तमिल फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन, इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 3 फरवरी 2023 में। और सेम उसी डेट पर ऐश्वर्या राजेश की एक और तमिल फिल्म देखने को मिलेगी आरजे बालाजी के साथ रन बेबी रन। और फ्रेंड्स, अब मैं जिन मूवीज की रिलीज डेट के बारे में बात करने वाला हूँ उनको ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया, लेकिन फ्रेंड्स मेकर्स का प्लान है कि इन मूवीज को इन डेट पर रिलीज किया जाना चाहिए। मलयालम एक्टर दुलकर सलमान और मोहनलाल की आने वाली 2 फिल्में किंग ऑफ कोठा और राम, इन मूवीज को रिलीज किया जाएगा 24 अगस्त 2023 में। सुपर स्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म जेलर, इस मूवी को प्लान किया जा रहा है कि इस मूवी को 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, 11 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, जहां पर ये मूवी क्लेश करेगी सुपर स्टार महेश बाबू आने वाली अनटाइटल पेन इंडिया फिल्म SSMB 28 से और रणबीर कपूर की आने वाली पेन इंडिया फिल्म एनिमल से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थलापति विजय की आने वाली फिल्म से। तो फ्रेंड्स, थलापति 67 मूवी से अपडेट निकल कर आई है कि फ्रेंड्स अब ये कंफर्म हो चुका है कि थलापति 67 मूवी LCU यानी कि लोकल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। और इस मूवी के अंदर हम सभी को मलयालम एक्टर फहद फासिल भी देखने को मिल सकते हैं, ये भी कंफर्म हो चुका है। और फ्रेंड्स, थलापति 67 मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी 25 या फिर 26 जनवरी को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपकमिंग OTT प्रीमियर के बारे में। तो फ्रेंड्स, त्रिशा कृष्णन की रिसेंटली रिलीज करवाई गई फिल्म में रांगी अब इस मूवी को स्ट्रीम किया जाने वाला है 29 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर सिर्फ तमिल भाषा में। और फ्रेंड्स, रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर मूवी धमाका अब इस मूवी को भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर दिया है तेलुगु लैंग्वेज में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपकमिंग बिग अनाउंसमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपकमिंग कन्नड़ा पेन इंडिया फिल्म में कब्जा, इस मूवी की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा 24 जनवरी को सुबह 11:05 पर।
और फ्रेंड्स रॉकिंग स्टार यश से जुड़ी हुई एक अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली 24 जनवरी को। जी हां फ्रेंड्स, 24 जनवरी को रॉकिंग स्टार यश से जुड़ी हुई एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि यह अनाउंसमेंट किसी मूवी को लेकर होने वाली है या फिर किसी न्यू प्रोडक्शन लॉन्च को लेकर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपकमिंग साउथ हिंदी डब मूवीज के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म अला बैकुंठा पुरमोलू अब इस मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन यूट्यूब पर देखने को मिलने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, अब इस मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन का यूट्यूब प्रीमियर देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। वर्ल्ड में इसने इस मूवी का प्रोमो आउट कर दिया है और इस मूवी को जल्द यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। सिलम बरासन और हंसिका मोटवाना स्टारर मूवी महा अब इस मूवी का हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर देखने को मिलने वाला है, जहां पर इस मूवी को 28 जनवरी को शनिवार दोपहर के 3 बजे प्रीमियर किया जाएगा सोनी मैक्स के टीवी चैनल पर। और फ्रेंड्स संतनम की लास्ट हिंदी डब मूवी गुलू गुलू इस मूवी का हिंदी बैनर है मिश्री मूवीज। अच्छा तो फ्रेंड्स यही थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।